हाय एवरीवन, दिस इज़ राम्या। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ मेकअप। सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। वैसे तो मैं मेकअप वीडियो ही बनाती हूँ, तो आज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इधर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है मेकअप वीडियो बनाने की। तो मुझे आधे घंटे में मेकअप वीडियो बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देते जो अच्छा बन जाएगा इतने मिनट में, तो मैं वो पोस्ट कर दूँगी। तो मैंने ऐसे सोच के कोई वीडियो बनाने में नहीं बैठी थी कि हाँ मुझे पर्टिकुलर यही बनाना है। और उसके बाद मैं यूज़ करी प्राइमो, क्योंकि ऐसे डिटेल वीडियो आई लैशेस वगैरह आई शेडो वगैरह तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो मुझे करीब आधा एक घंटे के अंदर ही ये वीडियो बनानी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी बनाई। अब मैं यूज़ करी कंसीलर एंड फाउंडेशन। तो इनसाइड और एलिटीन का मैं फाउंडेशन और कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो आप जितनी हल्के हाथों से अच्छी तरीके से डैब डैब करके ब्लेंड करोगे, आपको उतना स्मूथ फिनिश मिलेगा, आपका फाउंडेशन केकी नहीं होगा। सबसे मेन रीज़न ये है। तो अगर आप जल्दी जल्दी फाउंडेशन ब्लेंड करते हो, चाहे वो ब्रश से हुआ ब्लेंडर से हुआ, तो आपका 100% फाउंडेशन केकी हो जाएगा। तो हमेशा वो डैप कर करके हल्के हाथों से पेशेंसली करोगे तो वो केकी नहीं होगा। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। उसके बाद मैंने बेस कंप्लीट के बाद मैंने लिया यहाँ पे ब्लैक आई शेडो। तो ये डार्क ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा लाइटली ही है, और उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं आई मेकअप क्या करूँ, बट मुझे ईजिली जो दिखा वो मैं यूज़ करी हूँ आई शेडो। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है लाइट पीची शेड है, ये शिमरी शेड, उसे मैंने अपने आई क्रीज पे अप्लाई करा, उसे ब्लेंड करा मैंने हल्के हाथों से। और उसके बाद मैं एक लूँगी ऑरेंज शिमरी शेड, उसे भी मैंने अपने आई लिड पे अप्लाई करा। तो आई लिड के थोड़ा सा ऊपर आई क्रीज पे अप्लाई करा था मैंने, बहुत ही लाइट शेड था, बहुत डार्क मुझे रखना नहीं था। और उसके बाद मैं यूज़ करी यहाँ पे विंग्ड आईलाइनर। तो ये ब्लू हेवन का आईलाइनर और मस्कारा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट काफ़ी चीप प्राइस पे और अच्छे वो में मिल जाएंगे, तो अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो मेरी तरीके से तो ये प्रोडक्ट ले सकते हो, काफ़ी अच्छे भी हैं। और मैं मस्कारा से ही अपने आईब्रो सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे आईब्रो बहुत थिक है और मुझे ज़्यादा ऐसे ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर मैं ऐसे कोई ट्रेडिशनल लुक जब तक ना करूँ तब तक। और उसके बाद मैंने ये एक कंटेनर में रखा हुआ था लिपस्टिक, तो उसी से मैं यूज़ करी हूँ ब्लश, और ये काफ़ी अच्छा शेड है, मेरा फेवरेट शेड है, और ये ब्लश में काफ़ी अच्छा जाता है इस लुक पे तो खास करके। उसके बाद मैं यूज़ करी ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, और अपने मैं नोज़ और फोरहेड वगैरह पे अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद मैं यूज़ करी ये लैक्मे का डार्क ब्राउन लिपस्टिक, तो ये काफ़ी अच्छा शेड है। तो मुझे आज डार्क शेड चाहिए था, कोई ब्राउन में लगाने का मेरा मन था, तो मैंने ये अप्लाई करा और ये हुआ मेरा मेकअप कंप्लीट। आप लोग देख सकते हो काफ़ी कम टाइम में और एक अच्छा मेकअप लुक है। ये लुक तो आप शादी फंक्शन पार्टी वगैरह में ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा ईजी लुक है। आई मेकअप भी एक्सलेंट और लिप कलर वगैरह भी एकदम बढ़िया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, कोई टॉपिक सजेस्ट करना है वो भी बता सकते हो, हेयर स्टाइल वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।